जेएनयू से शुरू हुआ फीस वृद्धि का विरोध अब बीकानेर में भी देखने को मिला। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के छात्रों ने एनएसयूआई के बैनर तले सड़क पर जाम लगाकर जेएनयू के छात्रों का समर्थन किया और केंद्र सरकार का विरोध किया। एनएसयूआई नेता रामनिवास ने बताया कि सरकार अभी जेएनयू में फीस वृद्धि करके छात्रों पर अत्याचार कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और साथ ही कहा कि सरकार को बताना चाहते हैं कि जेएनयू के छात्र अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें इस देश के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के विद्यार्थी वहां पर अध्ययन करते हैं और अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी मासिक आय 12,000 रुपए से कम है, उन बच्चों की फीसों को बढ़ाकर उनकी सुविधाओं को काटकर इस देश की सरकार उनको शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश कर रही है। जब उन्होंने विरोध किया तो पशुओं की तरह उनको पीटा गया। ये सरकार एक और नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने की, दूसरी ओर आप वहां के वीडियो देखेंगे तो वहां की लड़कियों को बड़ी बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके बालों को खींचा गया, इस तरह की निंदनीय घटनाएं हो रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर युवा लामबंद होकर इस देश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर